और चलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी तो ये मेरा खैर गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड मॉर्निंग। खाना खाते तो हम लोग लगा लेते हैं, वरना अदरवाइज ये और येल्लो भाग नहीं लेंगे। और अभी आज है 2 जनवरी और कल से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। कल थोड़ा इनको अच्छा लग रहा था, मुझे खुद को भी। और यहाँ से देखेंगे कि ज़्यादा कुछ टेस्ट तो नहीं करा सकते हैं, बट टीवी टेस्ट करा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम नहीं कराएंगे, खैर डॉक्टर ने मना कर दिया, तो वहीं पे कराएंगे। अभी ठीक लग रहा है, है? और आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी, वही इन्होंने मतलब पी हुई है, और रोटी उसी में फुला के डाल दी थी, वही खाई हुई है। और देबू अभी तक भी सो रहा है पीछे। अभी करीब बज रहा है, शाम के 7 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो रहे थे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि अब इनकी तबीयत कैसी है। और एक डर मन में बैठा रहता है ना, तो वो डर तो नहीं जा सकता, ये आपको पता है, तो वही सब चीज़ है। अब चलो मैं खाना बना लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी बना रही हूँ लौकी की सब्जी। लौकी के भी निकाल लिए थे, टमाटर के भी निकाल लिए थे, और मुझे भी लग रहा है कि अब शायद मेरी भी तबीयत खराब नहीं हो जाए। जनवरी थी ना, तो उसके अब से मैंने मतलब भगवान जी के कपड़े लेके आए थे, और आपको दिखाती हूँ, भगवान जी के कपड़े लेके आए थे मैंने कि पहनाऊंगी कान्हा जी को अपने, बट मेरा मन नहीं किया था, तो अब देखूंगी कल पहनाऊंगी, आज सुबह नहीं पहनाई थी। और मतलब मेरा मन नहीं था कि मैं कपड़े वपड़े नए पहनूं या सब कुछ भी, ऐसा कुछ करने का नहीं था, बट देवू को बढ़िया से नए कपड़े पहना दिए थे। फिर वो जैसे मैं पूजा करती हूँ नहाने के बाद, तो उसको भी लगता है कि मम्मी मुझे भी पूजा करना है, और इसलिए फिर मैंने उसको ये नए कपड़े पहना दिए थे। अब मैं आगे अभी बुखार वगैरह नहीं उतरी है। देखो दरवाजा बंद कर दो भैया, दरवाजा बंद कर दो। बस 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 आ जा। और अभी इनकी तबीयत तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या करें कैसे करें। बात लगाए थे, कुंती टाइम तो नहीं लग रहा था, बात हो गई। तो क्या बोल रहा था? वो दवाई दी पहली वाली, कोई खाऊंगा संभव नहीं। और दवाई गोली तो हम वहीं से लेकर आए थे, मतलब अदर कोई दवाई नहीं खाना, यहाँ पे भी चेकअप नहीं कराना है, तो वहीं जाके अब होगा। और फिर मैंने उस दिन के बाद से कोई वीडियो नहीं बनाया था, ये मेरे दूसरा दिन का ब्लॉग था, मतलब मॉर्निंग था, तो मैंने सोचा था कि ठीक है मैं यहाँ से 2022 में वो आप सभी का मंगलमय हो। और देखिए हम खुश नहीं भी हैं, मतलब जनवरी आ रही है तो हमें तो खुश रहना ही पड़ेगा, अपने नए साल का हमें अच्छे तरीके से वेलकम करना होगा। और ये देखिए अभी बाबू सो रहा है, इसके पापा दवाई खा के बाहर बैठे हैं, मैं उसको उठा रही हूँ कि देवू उठ जाओ भैया, उठ जाओ भैया, बट नहीं उठ रहा है क्योंकि अभी 2-3 दिन से वो खुद परेशान चल रहा है, क्योंकि इसके पापा है ना जो रात को उनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, और मुझे अभी करनी है यहाँ वहाँ की डस्टिंग साफ, मैं वो कर लेती हूँ, फिर आगे आज मैं बढ़िया सरवर धुल के नहाऊंगी, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है ना, क्योंकि अब नया जनवरी आ रहा है। और ये देखिए आप लोगों से बात करते करते उठ गया, बट वो रोया नहीं, स्ट्रांग बच्चा है ना मेरा। आ जा, गुड मॉर्निंग कर लो सबसे, ठंडी बहुत है, ये देखो हमारा बाबू पता है आपको कभी भी नहीं रोता, मम्मा को गिरा दिया, हमारा बाबू कभी भी नहीं रोता, ये देखो सब उठते साथ चाहे कुछ भी हो नहीं रोता है ना बाबू, क्यों बाबू नहीं रोते ना। अभी मैंने सब सारा काम कर लिया है, अभी 10 बज रहा है, तो चलो फिर मैं इनको दवाइयों के लिए उठा देती हूँ। दवाई खा ली,
दवाई खा लो और चलो दवाई खा लो। अभी कमर में आ रहा है तो बैठते नहीं बन रहा है, पता है आप लोगों को सब कमर के कारण। अच्छा लग रहा है, पकड़ी रहा दवाई दवाई खा लो अपने आप से खा लो। मुझे पता नहीं है मैं पकड़ी हूँ, खा लो। और पता है आपको एक पकड़ी हूँ। तो चलो मैं इनको दवाई खिला देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मैं इनको पकड़ी हुई भी हूँ, बैठते नहीं बन रहा है ये रीढ़ की हड्डियों में। अब डॉक्टर से बात की है कि इन सब चीज़ों में हमें रिस्क नहीं लेना है, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, इनको दवाइयाँ खिला दूँ। और मैंने इनको दवाई वगैरह खिला दी है और देवू को भी खाना पीना खिला दिया है। आप हमको परेशान नहीं करो भैया, बट जब से इसके पापा की तबीयत खराब हुई ना पापा से, पापा से बात करने करने को होता है। पापा की तबीयत ठीक हो गई ना? बोलो हाँ। देखो बाबू कितना खुश हो गया, पापा की तबीयत भी ठीक है। पापा कैसे कर दो दूर से, किसी का दूर वाली। और सबसे ज्यादा वो खुश है जब थोड़ा सा इनको अच्छा लग रहा है, 3-4 बार भाप दी है और जो डॉक्टर ने दवाई बोली थी ना जो हमको दी थी पहले से ही वही दी है। और उनसे फोन कॉल से बात हुई, हालांकि अभी पूरे तरीके से खतरा टला नहीं है, और ये सब ये डर के साथ जीना हमारे लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है। मतलब एक मन में डर बैठ जाता है ना, पता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसको इतना डर नहीं लगता है, जब किसी की लाइफ में मेडिकल इश्यू आ जाता है तो वो एक हर दिन डर के साथ जीता है। तो मुझे भयंकर वाला डर लग रहा था, हालांकि कल से इनकी तबीयत में सुधार है, मतलब खाना भी खाया है, उनको खुद को भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है रोज़ की अपेक्षा। बाबू माँ पापा को परेशान नहीं करो लल्ला। चलो अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों को सच में दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने हमें इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी। ये भी यही दीजिएगा कि अब जो चेकअप हम कराने वाले हैं इनका, तो वो सब कुछ ठीक आए, बढ़िया आए, है ना। बस आप लोगों से यही बोलना है, और कुछ भी बातें हैं वो मैं आगे आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, परसों भी नहीं किया था, उस दिन बस छोटा सा एक अपडेट दिया था जो कि 5 मिनट का था, तो क्या एडिटिंग करती क्या अपलोड करती, क्योंकि मन नहीं था। चलो बाय 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 कर दो तो।